दोस्तों, अभी जितना हम लोग अपने आप को इंटेलिजेंस समझ रहे हैं, पहले से ही हम उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं थे और हमारे पास आज के समय इतना ज़्यादा आधुनिक सामान भी नहीं था। हमारा जब इवोल्यूशन हुआ था चिंपैंजीज से, तब हम केवल एक इवॉल्व हुए जानवर के जैसे थे। ना ही हमारे में इंटेलिजेंस ही थी और ना ही हमारे में ऐसी कोई चीज़ थी जो कि हमें इंसान साबित करता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर हम इंसान कैसे अपने आप को इवॉल्व किए और कैसे कैसे हम आज की चीज़ों को डिस्कवर किए। तो हम मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। और चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब इसके ऊपर तो मैंने वीडियो बना चुका है कि कैसे डायनासोर के अंत के बाद जो बचे कुछ जानवर थे वो कन्वर्ट हुए हम इंसान में। अब वेल, उसे आप लोग को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसे डायनासोर के खत्म होने के बाद हम इंसान बने। अब वेल, आज से लगभग 2 लाख साल पहले हम इंसानों की सबसे इंटेलिजेंस प्रजाति बनी, जो इसका नाम था होमो सेपियंस। आज के साइंटिस्ट के द्वारा ये माना जाता है कि होमो सेपियंस ही सबसे आधुनिक मानव थे। अब ये लोग अपना पेट पालने के लिए शिकार करना शुरू किए, क्योंकि उस समय उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, इन जानवरों का शिकार करना। और जानवर का शिकार करने के लिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा नुकीले और धारदार पत्थर के हथियार बनाने लगे। और वहाँ पर डिस्कवर हुआ वेपन्स, जो कि आसानी से बड़े जानवर को भी मार के गिरा सकता था। अब काफी हजारों सालों तक तो वो वैसे ही खाते रहे, यानी कि कच्चा मांस ही खाते रहे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्हें आग के बारे में पता चला और उन्हें ये पता चला कि 2 पत्थरों को घिसने से आग निकलता है, जिससे वो अब खाना पकाने लगे और खाना पका कर खाने लगे, जिससे उनका टाइम भी बचत होता था और जो काम उनका पेट करता था अब तक इतना ज़्यादा पचाता था, वो अब हमारे पेट को इतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम आधा से ज़्यादा काम बाहर ही कर दे रहे हैं उस खाने को पका। अब काफ़ी सालों तक ऐसे ही चलते रहा और सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंस ह्यूमंस का बस्ती था वो बसता था अफ्रीका में। अब धीरे धीरे अफ्रीका में सोर्सेस की कमी के वजह से धीरे धीरे वहाँ के जो आदिवासी थे वो बाहर आना शुरू किए और वो चालू किए माइग्रेशन। जो माइग्रेट होते होते धीरे धीरे पूरे अर्थ पर फैल गए। अब जानवरों की कमी के वजह से उन्हें फूड सोर्स कम मिलता था, जिसके वजह से वो धीरे धीरे फार्मिंग करना चालू किए। आज से लगभग 22,000 साल पहले फार्मिंग का आविष्कार हुआ। उन्होंने ऐसा देखा कि कोई भी एक बीज बोने के बाद उसका एक फल निकल आता है पर्टिकुलर टाइम के बाद, जिससे वो धीरे धीरे अलग अलग तरह का खेती किए और वो खेती से डिफरेंट टाइप के डिशेस बना के खाने लगे। अब उनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी, क्योंकि अब हमारे पेट को खाना पचाने में भी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि ये मांस नहीं बल्कि शाकाहारी भोजन खाते थे। और ये धीरे धीरे और ज़्यादा इवॉल्व होने लगे और इंटेलिजेंसी के रूप में आने लगे। धीरे धीरे ये लोग अपने लिए, अपने रहने के लिए शेल्टर्स यानी कि घरों का आविष्कार किए। नदी पार करने के लिए यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए इन्होंने नाव का आविष्कार किए। और भी काफ़ी चीज़ों का डिस्कवर ये लोग धीरे धीरे करते गए और आज के समय में इतना ज़्यादा डिस्कवरी हो चुकी है कि इस धरती पर मौजूद सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस हम बन चुके हैं। और अभी भी इवोल्यूशन जारी ही है, क्योंकि इवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है। धीरे धीरे नए नए डिस्कवरीज हो रहे हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि हम इंसान धीरे धीरे एआई में बदल रहे हैं, यानी कि एआई के ऊपर ही पूरा निर्भर हो रहे हैं। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हमारे इस अर्थ पर आधे इंसान आधे रोबोट्स वाले लोग रहेंगे, क्योंकि एक थियरी ये बताती है कि जैसे अभी प्रोग्रेस चल रहा है, उस प्रोग्रेस के हिसाब से या तो इस अर्थ पर पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट्स का कब्जा हो जाएगा, और या तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आधा इंसान और आधा रोबोट का शरीर इस पूरे अर्थ पर घूमे। वेल, आप लोग क्या सोच रहे हो, ये चीज़ होना चाहिए या नहीं, मुझे अपनी राय कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन ना ही लाइक करते हो, ना ही कमेंट और ना ही सब्सक्राइब, तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट होने के लिए अपनी लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर से किया करना, तभी मैं जाके ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो पाता हूँ और आप लोग को अच्छी से अच्छी नॉलेज दे पाता हूँ। सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही यूनिवर्स के बारे में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सोचते रहिए।